मैनमेड बनवा रहा हूँ। ममता बनर्जी हर बार बोलती है कि मैनमेड फ्लड है, लेकिन सवाल ये है कि मैनमेड अगर फ्लड है तो हर साल आप बोलते हैं हर साल फ्लड आता है, हर साल घाटा डूबता है, तो आपने एक साल पिछले एक साल में क्या प्लानिंग किया, आपका प्लानिंग क्या है? आप बोल रहे हैं मैनमेड, आपने जो कंसाबती जो रिवर है उसका जो डैम है, वो डैम का रिपेयर के लिए उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है डैम का, कितना पानी वो पकड़ के रख सकता है, क्या किया पिछले एक साल में? हर बार ऐसा होता है और हर बार मुख्यमंत्री बोलते मैनमेड वन, मैनमेड फ्लड, मैनमेड फ्लड। तो मैनमेड फ्लड अगर आपको पता है अगली बार होगा, अगली बार भी फ्लड होगा, तो आपको एक साल का प्रिपरेशन लेना चाहिए ना। आप हर जगह में कहीं पे भी छोटा छोटा जो डैम होता है, रिवर बैंक जो होते हैं, वहां पे आपने कहीं पे कोई एक साल में देखा है कि किसी इरिगेशन इंजीनियर आके पेड़ काटा, साफ किया, उसको रिपेयर किया? कोई नहीं बोल सकता कि हमने देखा है, होता ही नहीं, सरकार पैसा ही नहीं देता उसमें, और पैसा देता है तो मंत्री नेता लोग खा लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो ऐसे चलेगा तो ऐसे ही होगा। सेंट्रल ड्रेनेज नहीं कर रहा है, ड्रेनेज सिस्टम ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि घाटाल में तो अगर मैं तर्क के खातिर पकड़ लूं कि घाटाल मास्टर प्लान नहीं हुआ इसलिए घाटाल डूब गया, तो बाकी बीरभूम क्यों डूब रहे हैं, दूसरा जिला क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि हर जगह आरामबाग डूबा हुआ है, हावड़ा डूबा हुआ है, उदय नारायणपुर डूबा हुआ है, क्यों डूब रहे हैं? वहां पे तो घाटाल मास्टर प्लान नहीं है, क्योंकि जो रिवर के पास जो बैंक होते हैं जिसको छोटा छोटा डैम कहते हैं, उस डैम की जो रखवाली करनी चाहिए पूरे एक साल तक, तब मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता। आप मुख्यमंत्री आए हैं, आप आने की जरूरत नहीं, जब आपका फ्लड आता है, बारिश का मौसम होता है, उसके 3 महीने 4 महीने पहले उनको आना चाहिए कि 4 महीने बाद बारिश होने वाला है, फ्लड होगा, तो अभी से हम प्रिपरेशन लेंगे कि हमें क्या क्या ठीक करना चाहिए। हमारी सरकार की कोई दूरदृष्टि ही नहीं है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। बुक नाउ।